दोस्तों, पिछली कुछ लगातार वीडियोस में मैं 125 सेगमेंट के सभी बाइक्स को कवर करते आ रहा हूं कि वो कैसे अपने आप को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और कुछ कंपनियों ने तो 125 सेगमेंट में फेयरिंग को भी लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है। तो वैसा ही आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यमहा FZS 125 BSX के बारे में, जो कि बहुत जल्द इंडिया में लॉन्च हो जाएगी। अब ऐसा क्या है 125 BSX के इस FZS में जो कि लॉन्च होने के बाद कुछ चीज़ों को बदल के रख देगी, क्योंकि यमहा के पास भी अपना एक बहुत अच्छा इंजन है जो कि है V3 का। अब V3 जैसा पावर तो 125 से निकाल पाना नामुमकिन है, लेकिन जैसा कि यमहा के V3 में इंजन की परफॉर्मेंस को जाना जाता है, इतना मॉन्स्टर जैसी उसकी परफॉर्मेंस निकलती है, क्या 125 में लगभग वैसा कोई परफॉर्मेंस अचीव करके दे सकती है जो कि FZS 125 को बाकी किसी और ब्रांड के 125 cc के इंजन को पछाड़ सके? तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इसके इंजन के बारे में। तो इस बाइक में दोस्तों आपको मिलेगा 124.4 cc का इंजन जो कि 8000 rpm पर 11 bhp का पावर निकाल रहा है और साथ में 6000 rpm पर 12 nm का टॉर्क निकाल रहा है। सिंगल सिलेंडर BSX कंप्लायंट यह इंजन रहेगा और 5 स्पीड के गियर बॉक्स के साथ ये अवेलेबल होगा। इस बाइक का टोटल वेट लगभग 132 kg है और लगभग 12 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक दिया जा रहा है। इस बाइक के कलर शेड के बारे में बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ये रेड, ब्लैक, व्हाइट और स्काई कलर में अवेलेबल होगी। इस बाइक में फ्रंट डिस्क 276 mm की होगी और रियर में ड्रम ही आपको मिल पाएगा जो कि है 130 mm का। अब यानी इसमें अगर सिंगल डिस्क आ रही है तो ABS का तो कोई चांस ही नहीं है। हाँ, इसमें CBS आपको देखने को मिल सकता है। टायर साइज की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 180/17 का फ्रंट टायर और 140/60/17 का रियर टायर मिलेगा। इस बाइक में टेलीस्कोपिक फॉक्स रहेंगे फ्रंट में और रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर रहेगा। इस बाइक में आपको स्पीडोमीटर डिजिटल मिलेगा, टेकोमीटर डिजिटल मिलेगा, ट्रिप मीटर केवल एक रहेगा और साथ में फ्यूल गेज भी इसी बाइक में दिया गया है। कोशिश ये की जाएगी कि इसमें एक्स कनेक्ट को लॉन्च किया जाए, क्योंकि जो प्राइस ये ले रहे हैं उसके अंदर एक्स कनेक्ट को दिया जा सकता है। और अगर 125 सेगमेंट में और बाइक से थोड़ा सा एक कदम आगे निकलना है तो एक्स कनेक्ट इसमें आना ही चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि FZS V3 में अब एक्स कनेक्ट आने लग गया है और कुछ लोगों ने तो शायद मॉडिफिकेशन भी स्टार्ट कर दिया है, यानी कि उसमें पूरी की पूरी वायरिंग को चेंज करवा करके एक्स कनेक्ट के फीचर को इनेबल करने के लिए इतना सब तिकड़म करवा लिया है। इस बाइक में किक स्टार्ट नहीं दी गई है, केवल आप इसे इलेक्ट्रिक स्टार्ट ही कर सकते हैं। और इसका जो सीट है यानी स्टेप अप सीट है और साथ में वो स्प्लिट सीट भी है, यानी कि जैसा कि आपने देखा होगा कि यमहा की कुछ बाइक्स जो कि स्प्लिट सीट के साथ आती हैं, जस्ट वही वाला मॉडल इसके अंदर लॉन्च किया जा रहा है। अब 125 सेगमेंट होने के बाद क्या इसमें कोई स्लीपर क्लच रहेगा? तो ऐसा नहीं है, इसमें वही मल्टीप्लेट डिस्क ही रहेगी जो कि नॉर्मली सभी बाइक्स में होती आ रही है। हाँ, एक चीज़ है कि BSX होने की वजह से इसमें आपको FI देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इसकी प्राइसिंग की बात की जाए तो इसका एक्स शोरूम प्राइस लगभग 85,000 रहेगा जो कि एक्स शोरूम है। और अवेलेबिलिटी की बात की जाए तो ये बाइक आपको अप्रैल से मई के बीच में इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगी। तो जैसा कि मैंने अपने सभी वीडियोस में कह ही दिया था कि अब मार्केट 125 में सिमट के रह जाएगा, तो जस्ट वैसा मुझे नज़र आ रहा है और मैं अपनी सभी वीडियोस में इस बात को बोलते आ रहा हूँ। दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसे लगी क्या जल्दी नीचे कमेंट में बता देना। वीडियो भाई अच्छी लग गई है तो लाइक ज़रूर कर देना। चलिए फिर मिलते हैं किसी और एक अमेजिंग सी वीडियो में, तब तक यार ख्याल रखना अपना और अपनी बाइक का। बाय बाय।